एटलीस्ट जो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू और ऑडी है अगर ये चला गया आप हैरियर चलाओगे तो ये पसंद आती है, ये थोड़ा सा कॉम्पनसेट करती है उस एक्सपीरियंस को। तो ये अभी अपना डार्क एडिशन में ये एडिशनल ये सब किया है। यहाँ पर आपने क्या रैप लगवाया है? रैप ये जो ऊपर है ना एवरी डिविजन का रैप है, ये थोड़ा किया हुआ है बट अभी गाड़ी बहुत ऑफ रोडिंग बहुत बार हुई है। अच्छा, ये रैप आपने सामने छोटे चार्जेस भी दिए हैं और ऊपर में ORVM और रूफ में किया हुआ है। एंड आई एम लाइकिंग द फैक्ट कि आपने पिलर्स को नहीं चूज किया उसके लिए, सिर्फ रूफ को लिया, सो दिस इज अ गुड थिंग। BS4 गाड़ी है और साथ में सिरेमिक कोटिंग भी है। पीछे में पूरा स्पोर्ट एडिशन लगता है गाड़ी उसकी वजह से आपका। एंड दिस इज यू आर अ पार्ट ऑफ थग वेस्ट एज वेल एज द MHO ग्रुप। वंडरफुल। चलो आप गाड़ी का सबसे अलग प्लेसमेंट है लोगों का, बाकी थग्स यूजुअली साइड में लगाते हैं। आपने उसको इतनी अच्छी पोजीशन दे दी है लोगों के जस्ट ऊपर। सो यू हैव ऑडियो सेटअप ऑफ ऑडिशन। ऑडिशन ये ऑडिशन का ये पावर्ड स्पीकर है, 8 इंच का ये यहाँ इसके ये है। ओके, यहाँ सारे कंट्रोल्स हैं। तो ये रेडीमेड आइटम है? ये रेडीमेड है और इसमें एक यूनिक फीचर क्या है, ये 3 साइड्स होता है। या तो मैं इसको ऐसा, दिस इज वन सेटअप। ओके, ताकि और स्पेस मिल जाए बूट में। स्पेस प्लस इसका सब भी अलग आता है इसका साउंड। ओके, इंपैक्ट अलग हो जाता है। इंपैक्ट अलग होता है। ऐसा किया तो ये जो 14 इंच का होगा ना स्पीकर, ये वैसा आएगा इसका। वाओ, एकदम बूमिंग रिफ्लेक्स साउंड। हाँ, और अगर ऐसा रख दिया जैसा आपने रखा हुआ था, दिस इज स्टूडियो ग्रेड। वो हिट करेगा सिर्फ थर्ड, 10 इंच ही है बट वेरी पावरफुल। तो बेस्ट पोजीशन ये है अपने ऊपर। आपकी फेवरेट पोजीशन ये वाली है इसके म्यूजिक सिस्टम के? मैं करते रहता हूँ। अच्छा, चेंज करते रहता हूँ। यू कीप एक्सपीरियंसिंग। अगर जैसे हिप हॉप पे बीट चाहिए होते हैं ना तो इसको ऐसा करना होगा। ओके, उल्टा दो हिप हॉप वाले बीट। चलो फिर इसका डेमो लेते हैं। आ जाएंगे। ये है उसका कंट्रोलर। चैनल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपके वॉल्यूम। ट्यून सेलेक्ट करना मुझे, अगर DSP A या DSP B कौन सा करना है, वो वॉल्यूम बैलेंस फेडर सब ऊपर का वॉल्यूम भी यहाँ से मैं ओवरऑल लेवल सेट कर सकता हूँ। दिस इज कनेक्टेड टू माय DSP डायरेक्टली। अब वो पीछे है वो सब ऊपर के नीचे वो जो है ना। तो ये है आपका पूरा का पूरा ऑडियो सेटअप ऑडिशन से। कितने RM इसका है अपना ऑडियो सिस्टम? 900 यानी डबल ऑफ व्हाट द कंपनी ऑफर्स इन स्टॉक, नियरली डबल ऑफ क्वालिटी। यू नो डबल में बजा रही
अब मैं हूँ प्रशांत भाई के साथ में, प्रशांत भाई के साथ में मैं बहुत टाइम से टच में हूँ, बट क्योंकि मैं नागपुर में था, भाई मुंबई में थे, तो मैं मिल नहीं पाता था, बट वी वर इन टच। प्रशांत भाई थग वेस्ट की तरफ से रिप्रेजेंट भी करते हैं, एमएचओ ग्रुप की तरफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऑल ओवर इंडिया के जो टाटा हैरियर क्लब है उसमें भी काफी जाने माने मेंबर हैं, क्योंकि एक्टिव रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हमेशा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, इफ देयर इज अ मैटर बीइंग डिस्कस्ड, किसी को इश्यू है या कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट हो गया है माइलेज से रिलेटेड या कुछ और अपग्रेड से रिलेटेड, सो ही ऑलवेज कम्स इन एंड टॉक्स अबाउट इट, ही शेयर्स हिज एक्सपीरियंस अ लॉट, सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो हिम एंड आई हैव ऑलवेज गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। इन्होंने अपनी हैरियर डार्क एडिशन, जो कि फर्स्ट जनरेशन डार्क एडिशन हैरियर, द ओरिजिनल हैरियर डार्क एडिशन, वो लेकर के 2 साल गुजार लिए और 15,300 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए, थोड़े से अपग्रेड मॉडिफिकेशन करवाए, ट्यूनिंग भी करवा रखी है। प्रशांत भाई आपका 2 साल का एक्सपीरियंस बताने से पहले ये बताओ ट्यूनिंग क्यों करवानी पड़ी? ट्यूनिंग करवानी पड़ी कि मैंने ट्यूनिंग पावर बढ़ाने के हिसाब से नहीं किया था, जब ये गाड़ी चला रहे थे तो इसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा थे गाड़ी में, और बहुत ज्यादा ये गाड़ी मतलब ऐसे स्टेशनरी हमें स्टार्ट है कार, बट ये हिलती थी गाड़ी जैसा स्टेयरिंग वाइब्रेटर। तो रिमैप का पुराना एक्सपीरियंस है, पुराने दूसरे गाड़ियों का भी, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर इसको थोड़ा साइलेंट कर दे, क्योंकि टाटा मोटर्स से तो कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा था आता हुआ, उनसे काफी बार कंप्लेन भी किया था सर्विसिंग में। It feels like early still today also after 3 iterations. So that's the reason I got this remap done. No power increase or anything as such, but I got the engine silent. And it's much more smoother. इंजन के NVH पर काम कर रहा है। NVH पे काम किया है मैंने। Power is still the same. हाँ, पावर इज नॉट द सेम नाउ बिकॉज आफ्टर दैट वी टेस्टेड इट एक्सटेंसिवली विद फ्यू ट्वीक्स एंड ऑल, एंड ऑफकोर्स वेन वी गॉट टू नो दैट द सेम इंजन इज देयर इन BS6 ऑल्सो, हेक्टर ऑल्सो, इन इंजिप कंपास एज वेल, सो ऑफकोर्स आई फेल्ट वेरी वेरी चीटेड विद टाटा, एंड दैट टू बाइंग अ कार दैट आफ्टर 2 months यू लॉन्च अ अपडेटेड वर्जन। आई गॉट दिस इन अक्टूबर एंड जनवरी दे लॉन्च द उनका काफी अच्छा स्टेबल ट्रैक रिकॉर्ड है और वो स्टेबल ही करते हैं रिमैप। So as long as they're not sure about they the will result, not do, yes. they won't do it. They will keep researching. Yes, yes. Okay. So I tested something which only the work on the NVH was done, and that I drove for almost 9-10 months. And then he tested on other Harriers, and then he said, "Ki I have upgrade map for you." And he has done something. I am still not into racing or anything, but I am loving my car. That's so what are the new figures? It's like a two-character car. If I drive it sedately, if I'm looking for good mileage, I get very fantastic mileage. Without then, having to choose the eco mode? No, eco mode. Only in city mode, is fine. Before also, when I bought the car with the factory map, I've always got better figures in sports mode. Never in eco mode. Based on how you drive? Maybe so. But I've always got best figures on sports mode. You drive light-footedly? Yes, very, very. Light-footedly as in, I'm not a rash driver, but I'm a fast driver. Okay, so you see clean roads, only then you increase the speed. And you see traffic, but small patches of a little bit of free length, you don't drive fast. No. Because you don't want to drive No rash. risk. I have a no-risk policy. Achha. And in that, whatever it takes. So I instead of pressing the accelerator first, I'll rather press the brake. Okay. If there is a conflict traffic situation in front, I'll rather brake. Just slow down. And this is what I advise to everybody. If you have a family, if you have friends, live for them, live them, you know, stay alive long enough. Drive responsibly. Yeah, to teach them also. And braking is the larger good. Rather than accelerating, when you see a small gap, don't accelerate. Let the gap be big enough and then you go. So that's my funda. So hearing this from you, I actually recall this. There was a video which I did with Agnello. Okay. He also talked about the same thing and उन्होंने माइलेज के बारे में भी बात की थी। आपका क्या है? आपने देखा है वो वीडियो? Of course. You liked it? Yes. तो आपका क्या है उनके ओपिनियन उनके वीडियो के बारे में?
The video is fantastic. I mean, Agnello can speak. He really knows how to talk. Yeah, absolutely. Yeah, Agnello. So he can talk, and we can also talk on the phone, like for hours also. His message he can deliver, I can't do that. I don't have that time. But he his had message, the screen presence, I tell you. Yeah, and he's got that message very clear that you have to be safe first. Mm. Then, of course, we enjoy our rides how we can, in a safe, controlled speed. Right. So that's what I also do. These roads, Nikhil, where I have, come here today, we are meeting here. Now, these roads behind here used to be my drifting road. Yeah, when I had the BMW, I used to drift. I bought that car for drifting only. Oh. Okay. And my rear wheel drive ke pure maje. Rear wheel drive, and my house was here, like three buildings, right? Oh. And this was my way I used to work in a This day. Is how you enjoyed your weekends. Yeah. No. Every evening I was drifting. Every evening. Practice ho gayi hai puri. Puri practice ho gayi hai. Uske aur videos, photos? Kuch nahi. जर्मन ब्रांड वेयर मेंटेनेंस वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट एंड दीज रोड स्पेशली इन मुंबई आर वेरी वेरी बैड आई जस्ट स्पोक टू मिस्टर तेंदुलकर ऋषिकेश he had no A6 Yeah, he also sold. And he has the same experience like yes, you. So when you have a German car with low ground clearance on Mumbai roads, in Mumbai hectic. Suburbs particularly. So it's hectic. Yeah, don't buy in Mumbai suburbs. Drive it in the town side. Those roads are taken care of by the government. Right. And Mumbai suburbs are given the third party treatment. These roads are fantastic. These roads are very, very good. But roads, you have leather of these roads. Very very Mumbai, few. This so is the only patch of this is only good road patch. So आपने red color क्यों करवाया? वो भी मैं जानना चाह रहा था कि dark edition ले ली फिर red color की wrapping करवाई. दिखने में बहुत सुंदर लग रही है but reason क्या है? मैंने अपना प्यारा बचपन का प्यार BMW बेच दिया और सब फोटो है ना? बहुत सारे फोटोज हैं. Send it to me, I'll show it to everybody. बहुत सारे फोटोज हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं. I absolutely adored that car since I was a kid. A red color 3 series, wow. Yeah, I have been a petrol head, so I always wanted to buy that car and drift it. और वो बेचने का रीजन है मुंबई के सड़े हुए रोड्स. मुंबई ने आपसे आपकी BMW छीन ली. Literally. और टाटा हैरियर लेने का भी सबसे बड़ा रीजन ये मैंने सेल्टोस बुक की हेक्टर बुक भी कर दी दोनों बुक की थी मैंने तो टाटा हैरियर लिस्ट में भी नहीं थी मेरे अच्छा बट जब सेल्टोस टेस्ट ड्राइव शुरू हुए तो मैंने चलाया मतलब सडनली मेरा कॉन्फिडेंस ही चला गया उससे क्या बात कर रहे आप BMW चला के और कोई भी जर्मन सेडान हो ना जर्मन सेडान एज इन नॉट ऑल जर्मन बट एटलीस्ट जो मर्सिडीज BMW और ऑडी है अगर ये चला के आप हैरियर चलाओगे तो ये पसंद आती है इसका जो सस्पेंशन सेटअप है इसका जो राइड एंड हैंडलिंग पैकेज है जो ड्राइविंग डायनामिक्स है दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू दीज थ्री टॉप ब्रांड्स लग्जरी ब्रांड्स वेरी वेरी क्लोज टू सो व्हेन दे से इट्स अ लैंड रोवर पेडिग्री इट मैचेस इट इज इट कीप्स अप टू द एक्सपेक्टेशंस इट इज टोटली इट कीप्स अप टू दैट ऑफ कोर्स देयर इज अ एडेड वेट ऑफ customizing the components to Indian pricing yeah because we no more have aluminium parts in this not a aluminium chassis neither a aluminium my BMW 320d I had a F30 series oh F30 that was the model so the entire doors everything was aluminium so that was a totally different lightweight experience and high performance yeah. A 2 liter turbocharged petrol vehicle no diesel it was a 320d diesel okay 320d yeah, 2 liter turbocharged diesel I have a diesel head now I'm a diesel guy I love diesel cars and this also had a smaller this thing dicky this one अच्छा MHO ये ग्रुप कब बना किन्होंने स्टार्ट किया और कैसा रह रहा आपका एक्सपीरियंस इनके साथ में MHO ऐसा है हमारे मुंबई में कुछ हैरियर ओनर्स थे इनिशियली अर्पण एंड विक्रांत ठीक है तो उन्होंने एक व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया था MHO मुंबई ओनर्स मुंबई हैरियर ओनर्स ऐसा ही क्या नाम है मुंबई MHO भी है MH भी है वंडरफुल तो वो एक हो गया क्रिएट ऐसा होते होते और ये थग्स के थोड़ा जस्ट पहले ही ये कंसेप्चुलाइज हो गया था और थग्स में कैसा है वो सबको ये है हम लोग मोस्टली सबको हम थग्स में भी है
बट एमएचओ में सिर्फ मुंबई के हैं और मुंबई क्या छोटा एक टेरिटरी होने के कारण हम इजीली मिल पाते हैं। अभी आज भी जैसे हमें मिलना था आप आ रहे थे, हाँ तो मतलब आ गए। और अगर ये आज ऐसा ऑड टाइम नहीं होता, दोपहर का वर्किंग डे नहीं होता, हॉलीडे होता, तो अभी यहाँ कम से कम 25-30 कार्स आ गए होते। अगले बार मैं वीकेंड निकल के आऊँ। हाँ तो यहाँ का हमारा ब्रदरहुड जो है बहुत ही स्ट्रांग है और हम राइड्स और मीटअप्स भी करते हैं। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमारा एमएचओ केयर्स का एक इनिशिएटिव है, जो ऑफकोर्स वरुण थोड़ा और बताएंगे उसमें, आप जरूर उससे पूछिए। तो एमएचओ एक साथ ही है, मतलब हम साथ में ही कर रहे हैं। थग्स भी चल रहा है अपनी जगह, एमएचओ भी अपनी जगह, मुंबई स्पेसिफिक एमएचओ है बेसिकली बोल सकते हैं। थग मतलब थग वेस्ट होगा तो अपन पुणे होगा, नासिक हो गया, मुंबई हो गया, इन सबको कवर करते हो बात कर सकते हैं। बट अगर सिर्फ मुंबई सिटी के अंदर कॉमन ड्राइव करना है तो हम एमएचओ की बात करते हैं। थग्स वेस्ट हो गया तो मतलब गोवा, गुजरात, अपना राजस्थान, महाराष्ट्र, सब एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन टेरिटरी है वो। हाँ तो इसमें ऐसा हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा बड़ा होने के कारण ना बहुत बार सब मिल नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में तो हम कर रहे हैं मीटअप्स, अभी जैसे पुणे में भी अभी करना है, पुणे के बंदे कर रहे हैं अभी एक उनका ड्राइव है, आई थिंक 5 तारीख 5th को है, पुणे से सब जा रहे थक वेस्ट बोलेंगे वो, कि पुणे का भी कुछ ग्रुप है। नहीं नहीं थक वेस्ट थक्स का ही है वो सब। सो दैट वाज इट फ्रॉम प्रशांत भाई ने इतनी सारी एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए। वीडियो ऑलरेडी लेंदी है तो मैं तो बहुत सारी चीजें बताता। मुझे प्रशांत भाई का एक इंडिविजुअल इंटरव्यू वीडियो भी करना है आने वाले टाइम में। मैं जब दोबारा मुंबई लौटूंगा प्रशांत भाई से उनके एक्सपीरियंसेस लूंगा। अभी उनकी गाड़ी को 15,000 किलोमीटर समथिंग हो गए, 3 सर्विस हो गई है 4 हो गए तो 4th सर्विस के बाद में मैं इनसे मिलूंगा। ही विल हैव मोर स्टोरीज टू शेयर विद अस, शायद कुछ और अपग्रेड भी कर ले। वो करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट्स अपनी गाड़ी के साथ, एक्सपीरियंस भी है उनको अपग्रेड करने का। ऐसा नहीं कि बस मन आया और कर लिया, knowledge, his experience, and he has a network of people who are expert in doing this. Yes, thing. So, बहुत कुछ चीजें हमें सीखने मिलेंगी इनसे और इनसे हम जुड़ते रहेंगे। तो प्रशांत भाई थैंक यू सो मच, आपने स्टोरी हमारे साथ शेयर की। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विद योर हैरियर, कि आप और ज्यादा अच्छे वेंचर्स करते रहो एमएचओ के साथ में, थग वेस्ट के साथ में, टाटा सोल के साथ में भी, और हमारे साथ स्टोरी शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।